मानव ईश्वर की सृजित वो रचना है जो संसार में आने के लिए न जाने कितनी योनियों से गुजरने के बाद इस धरती पर जन्म लेती है। हर किसी को भगवान की इस कृति का सम्मान करना चाहिए, उसे हर रूप में स्वीकारना चाहिए और प्रेम करना चाहिए, फिर वो चाहे जैसी भी हो। एक कम्युनिटी है ट्रांसजेंडर की, जिसे आज भी समाज का हिस्सा नहीं माना जाता है। आज भी उन्हें अच्छी नजर से नहीं देखा जाता है। हम खुद को कितना भी मॉडर्न क्यों न कह लें, मगर जब बात आती है इस समुदाय को साथ लेकर चलने की, तो हम किनारा कर लेते हैं। हालांकि आज हमारे देश के संविधान ने भी इस समुदाय को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और खुलकर जीने की आजादी दे दी है, मगर फिर भी ये तबका कहीं न कहीं आज भी समाज में अपना वजूद तलाशने की जद्दोजहद में लगा है। इनमें से एक तबका है किन्नर समुदाय का, तो दूसरा है LGBTQ ग्रुप का। आज हम आपको इन समुदायों से जुड़े लोगों और उनकी भावनाओं से रूबरू कराएंगे। एल का मतलब होता है लेस्बियन, यानी कि कोई समलैंगिक औरत। आई एम अ लेस्बियन और मुझे लड़कियां अच्छी लगती है, इसका मतलब नहीं है कि मुझे लड़कों से नफरत है। जी का मतलब होता है गे, यानी कि कोई समलैंगिक पुरुष। मैं एक समलैंगिक हूँ। शुरू से ताने मिलना चालू हो जाते हैं कि गे हिजड़ा है, छक्का है। बी का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, यानी ऐसे पुरुष और महिला जो दोनों की तरफ आकर्षित होते हैं। और ट्रांसजेंडर का मतलब होता है एक अम्ब्रेला टर्म की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ से बहुत सी पहचानें हैं, जैसे ट्रांससेक्सुअल है, हिजड़ा है, किन्नर है, और भी जो हिंदुस्तान में या उसके अलावा जो भी आइडेंटिटीज़ होती हैं वो ट्रांसजेंडर अम्ब्रेला के अंदर में आती हैं। किन्नर समुदाय में सशक्त छवि रखने वाले किन्नर गुरु पायल सिंह। सबसे पहले हमारी ज़िंदगी की शुरुआत जो है हमारी हुई है उन्नाव से। पहले तो मैं अपने गांव में रहती थी, तो गांव के लोग जब मुझे कमेंट करने लगे काफ़ी, तो उसकी वजह से पिताजी मेरे मुझे बहुत पीटने लगे, मैं पीटने लगी। उस वक्त तो लगभग 7-8 साल के लगभग जो है हम बहुत मार खाई हैं। थोड़ी आदतें जैसे होती नहीं महिलाओं वाली आदतें। कि अभी तो बच्चा ऑपरेशन से हो जाता है जल्दी से, कोई नहीं, डॉक्टर चाहे तो सब कुछ छुपाए, लेकिन पहले जो होता था दाई माँ आती थी तो वो देखते ही सारी चीज़ें पहले ही से बता देती थी क्या है। अब अगर दाई माँ छुपा ली गई तो अच्छी बात है, और छुपाती है नहीं, बता भी देती हैं। और फिर कुछ ऐसी हरकतें थी जैसे कि शादी ब्याह या कुछ होता था मोहल्ले में, यही बुलाए गए हमारे घर वाले तो हम भी साथ, तो मेरी आदत थी लड़की वाला डांस करने की। मैं तो राजा रानी वाला खेल खेलूंगा, और राजा मैं बनूंगा। नहीं, राजा मैं बनूंगा और रानी मैं बनूंगी। चल हट, रानी तो मैं बनूंगा, मुझे तो नाचना भी आता है। अच्छा जुगनी भैया, तुमको नाचना आता है?
चलो हमको थोड़ा सा अपना नाच सिखा दो। लो अभी नाच लो। जुगनी को जरा घर में रखा करो, पूरे गांव भर में आपके परिवार की बदनामी करा रखी है। जुगनी, इधर, इधर आ। बहुत नचनिया बने हो। आठ नचनिया। आज जाइए यहाँ से। ये मनोसूरत दोबारा इस गांव में मत दिखाना। जा। पिताजी ने खाना ना भी नहीं दिया मुझे, खाना देना बंद कर दिया। मेरी मम्मी रात में छुप के खाना मुझे कपड़े में लपेट के बांध के फेंक दे, तो मैं उसको लेके जो है जाके अपना खा लेती थी। मेरी मम्मी जो है जुगनी जुगनी करती थी। कुछ बच्चे मुझे चिढ़ाने लगे थे जुगनी जुगनी, तो मैंने कहा मम्मी से अपनी, मैंने कहा मम्मी जुगनी नाम जो है ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये लड़कों वाला नाम लग रहा है। तो उन्होंने कहा फिर क्या, अन्य कहा मेरा नाम कोई और रखो ना मम्मी, मुझे मुझे जुगनी मत कहा करो, लड़कों वाला नाम लग रहा, मुझे शर्म लगती। तो उन्होंने कहा ठीक है क्या नाम रख दे। तो पायल पहने थी वो पैरों में, तो मैंने देखी, मैंने हमने कहा मम्मी ये क्या है कि इन पायल, हमने ये नाम रख दो ना मेरा। कहने ठीक है हम तुमको बाद से पायल ही कहा करेंगे। तो मम्मी मेरी हमेशा मुझे पायल ही कह के बुलाने लगी, लेकिन अकेले में, सबके सामने नहीं, अकेले में बुलाती थी पायल बिटिया। तो मैं कहती हाँ मम्मी, कहीं आओ इधर आओ, और बाकी क्या सबके सामने तो फिर जुगनी ही बोलती थी। घर तो मैंने खुद छोड़ा, क्योंकि मेरे पिताजी जो थे तो मोहल्ले वाले जब काफ़ी कमेंट करने लगे, पिताजी को आए दिन बहुत सी चीज़ें बोलने लगे, तो मुझको जब जब होता था मुझे मार पड़ती थी। मार पड़ने के बाद मुझे छुप के सोना पड़ता था, भाग के दूसरे छतों पे या इधर उधर जाके मुझे सोना पड़ता था। पहले मैंने घर छोड़नी, छोड़ने के बाद मैं आई उन्नाव। मुझे मरने का मन हुआ, तो मुझे लोगों ने बचाया कि ये भी कोई जीवन है। तो मुझे जब लोगों ने बचाया, तो बचने के बाद फिर मैंने काफ़ी चीज़ें सोची। रात में तो मैं सोई आराम से, सोने के बाद रो रहा के अपना, फिर जब सुबह उठी तो मुझे भूख लगी। जैसे स्टेशन पे लोग बैठे होते हैं तो उनसे मैंने भीख, जैसे भीख मांगने, वो भी एक्सपीरियंस नहीं था भीख कैसे मांगी जाती है, तो बड़ी उससे गई और मुझे खाने को दे दो कुछ, तो उन्होंने डांट दिया। दो तीन जगह गई तो जब डांट दिया तो फिर किनारे बैठी रही। फिर मैं उन्नाव के स्टेशन पे काफ़ी दिन पड़ी रही। फिर एक लड़का मुझे मिला वहाँ पर, छोटा सा वो भी था, तो हम दोनों का एक दूसरे से मेल हो गया। तो वो जो है उसको मांगने का एक्सपीरियंस था भी, तो वो ट्रेन में चल के मांग लाता था, तो वो मुझे ला के देते था, तो मैं उसी के साथ खा लेती थी। उसके बाद फिर हम लोग एक दिन खाने का हुआ कि चल के चलते चाट खा के आते हैं, तो हम लोग उन्नाव पहुँचे थे छोटे चौराहा है, एक छोटा चौराहा है, तो वहाँ पर एक टिक्की की दुकान थी, बहुत मशहूर कोई दुकान, बहुत भीड़ लगती थी। तो हम लोग के पास पैसे जो थे वो कम थे, हम लोग को खाने को नहीं मिल पाए। कूड़ेदान का जब डब्बा था तो उसमें जो फेंक दिया, तो उस पर से हम लोग उठा उठा के
किनारे खुद ढेर सारे दुनिया उठा ले गए हम लोग, सब लोग आपस में बटोर के उसमें से फिर चटनी इतनी थी पड़ी हुई वही हम लोग चाट रहे थे, और चाट के हम लोगों ने आज हम लोगों ने खा लिया, बता सकते कितना अच्छा लगा। तो फिर उसके बाद हम लोग जाके स्टेशन वापस चले गए, पुलिस वाले तंग करते थे जैसे बुला लेते थे, पैर दबाओ फिर अजीब अजीब हरकतें कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो ऐसा करना है, अगर नहीं करोगे तो फिर तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे, तो उन सब चीज़ों में ऐसे हादसे बहुत हुए। कानपुर चली गई तो वहाँ पर भी यही सब हरकतें होती रहीं। बाहर निकली कानपुर से तो फिर मैंने वहाँ पर काम ढूंढा, तो मुझे काम मिला वहाँ पर होटल में कप प्लेट धोने का। तो उस समय शायद एक दिन का 1 रुपये या 1.5 रुपये ऐसे देते थे। जो कंटीन का मालिक था उसने भी कुछ हरकतें हमारे साथ ऐसी की, तो जब उसने ऐसी हरकतें की तो मुझे नहीं अच्छा लगा, तो मैंने वो होटल छोड़ दिया। फिर मैंने वो होटल छोड़ के मैंने एक सिनेमा हॉल था मैं वहाँ गई बात करी, वहाँ मेरा परिचय हो गया था, चाय ले जाना लाना तो वहाँ दोस्ती हो गई। तो सिनेमा हॉल में मैं जाती थी, पापड़ जैसे बेचते थे पहले पापड़ चलता था, तो इंटरवल में जाके वहाँ पर बेचती थी हॉल में बेचने के बाद, और पिक्चर देखने का बड़ा मुझे शौक था। तो जब उधर हॉल से बेच के आती थी इंटरवल में पैसे हिसाब दे के, उसके बाद तुरंत ही जो है फिर वापस पिक्चर में घुसने की कोशिश करती थी, तो उसमें कई बार पिट भी गई पिक्चर के चक्कर में। ये जो हमारे जैसे लोगों की संगत ये लखनऊ में हुई आके, लखनऊ आने का कुछ वजह नहीं था, लखनऊ आने की सिर्फ ये वजह थी कि लखनऊ सुना बहुत अच्छा है। चारबाग से पैदल चली तो कैसरबाग होते हुए आई, तो बीच में जो भारत का वो बना हुआ है जो कि हाँ जो लाट, तो जब मैंने उसको ऐसे करके देखा ऊपर मुँह करके, तो हमने कहा क्या नोट यहीं पर छपती है, ये अशोक का ये यहाँ बना, ये तो हमारे नोट में रहता है। तो वो एक अजीब सी मेरे लिए बात थी, और वो हिम्मत मेरे अंदर आ चुकी थी कि हम कुछ कर सकते हैं अगर चाहें। और वो हिम्मत मेरी आई है कानपुर से, जब मैंने नौकरी की, जिस काम में मैंने लगन डाला मन लगाया उस काम में मैंने बहुत अच्छे से किया, मैंने वहाँ पर हॉल में रह के प्रोजेक्टर चलाना सीख लिया, मैं फिल्म खुद चलाने लगी, मैंने मशीन सीख लिया वहाँ पर, तो मैं समझी कि मुझे अकल है। स्कूल तो मैं गई हूँ बचपन में, किनारे बैठ के गाना गुनगुना रही थी, आजा रे ओ मेरे दिलबर आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे आजा रे। अरे जुगनी बेटा तुम तो बड़ा अच्छा गाना गाते हो, तुम मुझे रोज एक गाना सुनाया करो, फिर हम तुम्हें कभी भी कक्षा में आने के लिए नहीं कहेंगे, ठीक है? समझ गए ना? अच्छा सुनो, मुझे फिर से यही वाला गाना सुनाओ। आजा रे, आजा रे ओ मेरे दिलबर आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे। बहुत अच्छा। ये कमेटी से संघर्ष मेरा सामना जो हुआ है चारबाग में हुआ है, 5-6 दिन स्टेशन पे रही, तब यहाँ पे किन्नर लोग रात में टहल रहे थे, तो उन्होंने देखा लेटे तो कहें अरे ये कौन है, तो उन्होंने जगाया, तो हमने कहा आप लोग कौन है, कहें तुम यहाँ कैसे, कहाँ से आई हो, कौन हो तुम, और मुझे अपने घर ले गए पकड़ के लोग सब गाड़ी में बिठाल के, फिर उनके घर चली गई। घर में जाकर उन्होंने कहा कि हमसे इसको रखो खाना ना खिलाओ और यहीं रहो हमारे साथ जो है चला करो काम पे। 4-5 दिन उन्होंने रोका जबरदस्ती, फिर मैं सामान वामान सब छोड़ के भाग गई। फिर उसका मैं चारबाग में रही थी, फिर चारबाग में एक शख्स मुझे मिला जिसने मेरी मदद की, इसी चारबाग में मदद करने के बाद उसने मुझे किराए का कमरा दिलाया। डांस वांस करने लगी, फिर डांस कंपटीशन की जगह ढूंढती थी कि कहाँ डांस कंपटीशन होता है, कहाँ क्या लोगों में, तो उस लड़के के जरिए मैं बहुत कुछ पाई, मेरा नाम होने लगा इसी लखनऊ के अंदर, थोड़ा थोड़ा अच्छे काम करने लगी, अच्छे से बोलना, लोगों से उठना बैठना। तो फिर यहाँ के कुछ किन्नरों को दिक्कत हुई मेरे से, इन्होंने मेरे पर मुझे बुलाया, बुलाने के बाद मुझको जो है बहुत मारा। ये हादसा मेरे साथ हो गया, तब मुझे मेरी माँ की याद आई। तो फिर ढूंढते डांते मैं पहुँची, मैंने लेकिन घर नहीं गई, मैं अपनी माँ को रोड पे ही बुलवाया।
वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भेज दिया मैं दूसरे घर, दूसरी जगह, तो वहाँ आके उन्होंने मेरा इलाज किया, सब देखभाल किया। हम लखनऊ बुलाएंगे सबको बहुत जल्दी, सब लोग आके वहीं रहना। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो मैं जब इच्छा बताना हम आ जाएंगे सामने, चलो ठीक। फिर मेरी एक हिम्मत बनी, हिम्मत बनने के बाद फिर मैं आई तो उन लोगों ने पूछा भी मुझसे, पायल कहाँ चली गई थी इतने दिन से, तुम कहाँ थी? तो हमने उन लोगों को बताया था, फिर उन लड़कों ने मेरा सपोर्ट किया। मैं परिवर्तन चौक से निकल रही थी तो परिवर्तन चौक पे एक रैली लगी हुई थी, किसी महिला का बलात्कार हो गया था। तो हमने कहा अगर ऐसा है तो भाई मैं भी साथ में हूँ आपके, तो मैं भी नारे लगाने लगी, उनके साथ साथ मैं भी चिल्लाने लगी। तो पुलिस जो है दौड़ी लाठीचार्ज के लिए सबके ऊपर, तो मैं आगे खड़ी होगी, हमने ऐसे मार कैसे दोगे, हमने किसी की ज़िंदगी, आप लोग इस तरीके करते हो, कहीं नहीं ये सब मना है। तो फिर उसमें डंडे पड़े सबको, एक दो मेरी भी पड़ गए साथ में। रोजी रोटी मेरी चलती थी एडवर्टाइजमेंट से, जैसे गाँव गाँव क्षेत्र में नहीं जाके प्रचार करना किसी चीज़ का, तो इन सब चीज़ों में मैं आगे थी, तो ये सब करती थी। उसके बाद स्टेज प्रोग्राम करने लगी थी, तो उससे मेरी रोजी रोटी चलने लगी थी। फिर उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद मेरा फ्रैक्चर हो गया इसी लखनऊ में, तो मेरी ऐसी हालत हो गई कि मैं इलाज कराने तक को पैसे नहीं थे, फिर लोगों ने मेरा इलाज कराया, मेरे पास कमाई का जरिया रुक चुका था पूरी तरीके से, कि हम कमाई कैसे करेंगे, कैसे मेरा घर चलेगा, हम इस लायक हो गए, अब तो हम नाच भी नहीं सकती, कुछ कर भी नहीं। तो फिर मैंने किन्नरों का साथ लिया, एक हाथ मेरा टूटा हुआ था, ये इसमें दो तीन ऑपरेशन हुए हुए थे, ये चल भी नहीं रहा था, तो मैं उनके साथ जाती थी, तो जब बधाई जाते थे उनके साथ जाती थी, तो वहाँ पे एक हाथ से नाचती थी, नाचने के बाद जो पैसे देते थे वो लाके मैं उसमें किराया देती थी, अपने लिए जोड़ती थी। उनके साथ काम भी करती गई, समाज सेवा भी करती गई, सुबह जाके उनके साथ बधाई घूमना, बधाई घूमने के बाद लौट के उनके घर का पूरा काम धाम, बर्तन साफ सफाई करके फिर वापस पैसे लेके अपने घर चली आती थी। पैसे के लिए किसी को शराब देना ये गलत बात है। किन्नर जो हमारा होता है ओरिजिनल, जो हमारे वहाँ का जो सिस्टम किन्नरों का चला है, सिर्फ वो बच्चे की बधाई, शादी, नया मकान, नई दुकान, क्योंकि ये सब खुशी के मौके होते हैं। के कामों में जो है काफ़ी मैं सपोर्ट करने लगी, इनको मुसीबत कष्ट हुआ जब भी तो मैं हमेशा इनके साथ रही। इन्होंने थाना या कभी इन पे कोई आपत्ति आई, लोगों ने इनको मारा पीटा, तो मैं उसमें गई, सब जगह मैंने बात की, तो इसलिए इन्होंने अपनाया मुझे और इतने आगे बढ़ाए कि हर चीज़ में जो है पायल हमारा साथ देती है। तो हम लोग चाहते हैं कि पायल हम लोग से जुड़ के हमारा सारा काम यही देखें, कि हर माँ बाप की दिली इच्छा होती कि मेरी औलाद मेरे लिए कुछ करेगी। अगर मैं ऐसी निकल गई, जिसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको भूल जाऊं, ठीक है, तो मेरा फ़र्ज बनता था, और ऊपर वाले ने मुझे अगर इतना दे दिया था, तो जिस माँ बाप ने मुझे पाला, अगर मैंने उनके ऊपर कर दिया खर्चा, तो मैंने तो एक बहुत बड़ा नेक काम कर लिया, गंगा नहा लिया। और जब उनके मुँह से ये मैंने सुना सब चीज़ें कि मेरी उन औलादों से तो अच्छी ये औलाद है, तो मेरे लिए कितना गर्व की बात हुई कि मतलब जो निकम्मी औलाद थी वही सबसे अच्छी निकली घर के अंदर। वर्ष 2001 में पायल ने जब लखनऊ पश्चिम क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़ा तो समाज में पायल का अस्तित्व भी नजर आया। शायद ये शहर में पहला मौका था जब किसी किन्नर ने राजनीति में कदम रखा था। हालांकि पायल को इस चुनाव में सफलता तो नहीं मिली, मगर ये शहर उनको जानने लगा था और अब शहर में पायल की भी अपनी एक पहचान बन चुकी थी। वर्ष 2003 में पायल ने पायल फाउंडेशन के नाम से एक एनजीओ बनाई, जिसका मकसद समाज सेवा करना और गरीब व दबे कुचले लोगों को एक पहचान दिलाना था। वर्ष 2001 में जब लखनऊ में एक मॉल की बुनियाद रखी गई, तो यहाँ एक फैशन शो में भाग लेकर एक बार फिर चर्चा में आई। वर्ष 2017 में एक दूसरा फैशन शो एक पहल के नाम से शहर के संगीत नाटक अकादमी में किया। अब तक पायल शहर का जाना पहचाना नाम बन चुकी थी। उनके जीवन से प्रभावित होकर साहित्यकार महेंद्र भीष्म ने उनके जीवन पर मैं पायल नाम से एक किताब लिख डाली।
पायल फाउंडेशन के तहत ही पायल फिल्म प्रोडक्शन शुरू किया, आखिर माँ हूँ फिल्म का निर्माण किया, इसी बैनर के तले फिल्म पिता बनाई, 8 किन्नरों के साथ मिलकर शुरू किए गए पायल फाउंडेशन में आज लखनऊ सहित जयपुर, अजमेर, इलाहाबाद, कानपुर जैसे अन्य शहरों के करीब 1800 किन्नर ही नहीं बल्कि आम और खास लोग भी जुड़ चुके हैं। पायल US, हांगकांग, सिंगापुर, दुबई, फ्रांस जैसे देशों में सम्मानित हो चुकी है। वहीं पुलिस की मदद करने के लिए शहर में डायल 100 ने भी पायल को सम्मानित किया है। बड़े बड़े सम्मान पाने वाली पायल हर साल 10 अगस्त को अपनी मां की स्मृति में समाज सेवा करने वालों को शांति देवी सम्मान से सम्मानित करती है। सच ही कहा गया है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जिसका जीता जागता उदाहरण पायल है, जो आज उसी समाज में गर्व से अपना कॉलर ऊंचा करके चलती है जिसने कभी उनको दुत्कारा था। मैं सभी किन्नर बहनों से ये गुजारिश करना चाहूंगी कि ऐसा कोई काम न करें कि जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े, बल्कि ऐसा काम करें औरों की तरह हम किन्नर भी कॉलर उठाके शान से जी सकें।